एक तरफ केवल एक गोरखा सैनिक और दूसरी तरफ 40 हथियारबंद लुटेरे, कौन जीता होगा इस लड़ाई में? ये सच्ची घटना सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2 सितंबर 2010 गोरखा रेजिमेंट के बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठ रांची से ट्रेन पकड़कर अपने घर लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मध्य रात्रि में एक अज्ञात स्टेशन से 40 हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में सवार हो गए और लोगों को लूटने लगे। श्रेष्ठ ने भी चुपचाप अपना सारा सामान दे दिया। सामान मिलने के बाद भी लुटेरे रुके नहीं और श्रेष्ठ के सामने बैठी एक 18 साल की लड़की से जबरदस्ती करने लगे। श्रेष्ठ खड़े हो गए, अपनी खुकुरी निकाली और लुटेरों पर टूट पड़े। देखते ही देखते लड़की से जबरदस्ती करने वाले 3 लुटेरे ट्रेन की फर्श पर मृत पड़े थे और फिर श्रेष्ठ अकेले ही बाकी के लुटेरों से भिड़ गए। लड़ाई में श्रेष्ठ के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई, लेकिन उन्होंने 8 और लुटेरों को घायल कर दिया, जिसके बाद बाकी डर के मारे भाग निकले।